पिता और बेटी का रिश्ता बहुत ही खास होता है। बेटियां अपने पिता की लाडली भी होती हैं और जब बेटी पर कोई उंगली उठाता है तो पिता हमेशा उसके आगे दीवार बनकर खड़ा रहता है। पिता अपनी बेटी की हमेशा सुरक्षा करता है, लेकिन क्या हो अगर वही पिता बेटी की जान का दुश्मन बन जाए। यूपी के बांदा से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक पिता अपनी ही बेटी पर हैवान बन गए। पिता ने बेटी को चाकू से गोद कर उसे घायल कर दिया। महज सब्जी में नमक ज्यादा होने पर पिता ने ऐसा किया। चलिए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। दरअसल यह मामला शहर कोतवाली इलाके का है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी पर सब्जी में नमक ज्यादा होने पर चाकू से हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर मकान मालिक पहुंची और उसने पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घर का दरवाजा तोड़कर पीड़ित को बाहर निकाला और गंभीर हालत में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता के सीने और कमर में चाकू मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक बच्ची की मां की पहले ही मौत हो चुकी है। घर में पिता और दो सगी बहनें रहती हैं। मकान मालिक ने बताया कि पिता शराब पीने का आदी है, पहले कभी ऐसा नहीं किया लेकिन पता नहीं अचानक ऐसे ही कैसे कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पिता मानसिक रूप से कमजोर है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।